देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा टाइम टारगेट है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है, हमको टेंशन डिटरमाइन करना है, क्लियर। इसमें अगर टी वन है तो इसमें क्या होगा, टी टू होगा, और म्यू की वैल्यू दे रखी है लेस देन वन, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेस देन वन, ठीक है। यहाँ म्यू का मतलब, अगर सिर्फ म्यू लिखा हो तो इसका मतलब होगा म्यू एस और म्यू के क्या है, सेम। म्यू एस और म्यू के दोनों क्या है, सेम, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सबका, ठीक है। पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, आंख बंद करके इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसमें अगर टी वन है, देखो ये टू एम जी, इसमें टी वन, ये टू एम, ये एम, इधर टी वन, तो इधर क्या हो जाएगा, टी टू, इधर टी टू, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस ब्लॉक को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओगी, सरफेस है। हमने क्या बताया था, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे एम है, इधर की तरफ एम जी, यहाँ पे भी एम जी, इधर एन वन, इधर एन टू, ठीक है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ वन, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ टू, ऐसे बनाओगे सबका। ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं, जो सरफेस होता है दो फोर्स लगाता है ना, अगर रफ सरफेस है तो एक नॉर्मल होगा फोर्स होगा, और परपेंडिकुलर जो सरफेस जो होगा वो नॉर्मल फोर्स होता है, दूसरा जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो पैरेलल होता है सरफेस के और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो कि पहले हमको ये देखना है, ये नहीं कि बस शुरू हो जाओ, जैसे फ्रिक्शन फोर्स आया, फ्रिक्शनल आया, तो हमको पहले ये देखना होता है कि ये पूरी बॉडी मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी। ये नहीं कि शुरू हो गए कि ए भी निकाल लिया, टी भी निकाल लिया, पता भी नहीं चलेगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी फ्रिक्शन के बेस्ड प्रॉब्लम आए तो हमको क्या करो, पहले चेक करो, क्या करो, चेक करो। कैसे चेक करते हैं, स्टार्टिंग में मान लो कि मोशन होने होने वाला है, मोशन होने होने वाला होगा तो पूरे होल सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, जीरो। उस केस में टी वन किसके बराबर हो जाएगा, टी वन हो जाएगा टू एम जी के, टी वन कितने हो जाएगा, टू एम जी के। अब ये बताओ टू एम जी ये कितने से नीचे आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टू एम जी। अब ये बताओ ये दोनों, इन दोनों को मिला के देखो, दोनों जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं इन दोनों का मैक्सिमम कितना कितना अलाउ कर सकते हैं, ये तो पहली बात, म्यू की वैल्यू कितनी है, लेस देन वन, इसको कितना कंसिडर कर लो, 0.5 या 0.1 भी कंसिडर कर लो या 0.9 भी कंसिडर कर लो, लेट कर लो कि ये वैल्यू कितनी है, 0.9, वन से कम है तो 0.9 ले लिया। इधर कितना फोर्स लगेगा, 0.9 इंटू एम जी, ये भी कितना लगेगा, प्लस मैक्स दोनों ऐड हो गए कितने हो गए, ये दोनों मैक्सिमम, ये कितना फोर्स लगा सकता है, 0.9 एम जी, ये कितना लगा सकते हैं, 0.9 एम जी। अगर ये दोनों मिल भी जाएं तो दोनों मिल के इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 1.8 एम जी के करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए रोकने वाला इस साइड में कितना मैक्सिमम है, 1.9 एम जी, और इस डायरेक्शन में ये जो टी वन है वो किसके करस्पॉन्ड, 2 एम जी के। तो 2 एम जी ज़्यादा है, जो 2 एम जी है वो ज़्यादा है किससे, 1.8 एम जी से, फ्रिक्शनल फोर्स से, मतलब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है एफ एस मैक्स से। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन अलाउ। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि मैक्स जो मोशन अलाउ है भी कि नहीं है, ये नहीं कि मैं मोशन अलाउ ही नहीं, पहले चेक करना पड़ता। क्या करेंगे उसके लिए, पहले पूरे होल सिस्टम को मान लो कि वो रेस्ट में है, पूरे होल सिस्टम क्या है, रेस्ट में कंसिडर करोगे, नहीं भाई जस्ट मोशन होने होने वाला होगा, तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू जीरो मानो कि मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसी कुछ चीज को पॉइंट ऑफ व्यू रख के हमने इसको पहले सॉल्व किया, तो क्या देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स का मतलब जस्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब एक्सीलरेशन जब जस्ट होने होने, मतलब मोशन जस्ट होने होने वाला है, तो उस समय हमने क्या देखा, म्यू की वैल्यू लेस देन वन है।
तो हमको क्या निकल के आया कि अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है इस डायरेक्शन में 2mg, वो फ्रिक्शनल फोर्स से, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। देखो ये 2mg इससे ज़्यादा है, तो चेक किया तो ये अलाउ कर दिया। जब यहाँ पे अलाउ हो गया, ठीक है, क्लियर करो, क्लियर है, जब अलाउ हो गया तो अब हम क्या करेंगे, पुराने सिस्टम में जाएंगे। पहले इसको बनाओ जल्दी से, ठीक है। तब इतना तो फिक्स हो गया कि मोशन अलाउ है, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि एफ जो है कितना आया, एफ एस या मैक्स जो भी लिख लो, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज़्यादा, इस वजह से ए जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा, लिखो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, हटा देते हैं सब। तो पहले ये चेक करना होता है, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स आए तो पहले चेक करो, ये नहीं कि बस शुरू हो गए। अगर शुरू हो गए तो क्या होगा दिक्कत, कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन है वो आंसर गलत आ जाएगा, आपको लगेगा सॉल्व करने पे ये तो हो रहा है लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो मोशन अलाउ जब है तो ये किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ये भी ए, ये भी ए, क्लियर। तो 2mg क्या लिखोगे, देखो 2mg माइनस t1 दिस इक्वल टू 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो t1 माइनस t2 माइनस f2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। यहाँ पे t2 माइनस f1 दिस इक्वल टू मास इनटू a, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, सेम है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, सेम है ना, तो सिर्फ f1 लिख दो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। और f1 f2 है क्या, देखो म्यू के बराबर, तो f1 होगा म्यू इंटू mg और f2 भी क्या होगा, ये भी म्यू इंटू mg करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर चाहो तो वैसे तो हमको डर यहीं पर लिख लेंगे, चलो कोई नहीं, अब तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को। तो जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t1 t2 t2 कट जाएगा सब, ये हो जाएगा 2mg, f1 किसके करस्पॉन्डिंग है, म्यू mg, f2 कितना है, इज आल्सो म्यू mg, दिस इक्वल टू 2 दैट इज 4 m इनटू a। तो a की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, देखो ये हो जाएगा 2 m इंटू जी माइनस 2 म्यू m इंटू जी डिवाइड बाय 4m। सॉल्व करने पे कितना आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, जी इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 2, ये हो गया a की वैल्यू, है देखो, ठीक है। ये f1, ये f2, यहाँ पे t2 माइनस, ठीक है, f1 f2 की वैल्यू पुट कर दिया, तो म्यू mg, ये म्यू mg, 2mg, ये हो गया 2mg में से 4, ये सही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये वैल्यू किस में पुट कर दो, t1 और किसी में पुट कर दो, t1 में पहले वाले में पुट कर दो, तो t1 की वैल्यू क्या मिलेगी, t1 दिस इक्वल टू 2mg, t1 दिस इक्वल टू 2mg माइनस 2ma, 2ma, a की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, a की वैल्यू ये है, जी बाई 2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू m, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, 2ma, तो 2 इंटू m, ठीक है, और a की वैल्यू इतनी हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे लिखोगे m कॉमन, g भी कॉमन, ये 2 माइनस 1
प्लस म्यू, तो ये जो मिलेगा आपको 1 प्लस म्यू इंटू एम इंटू जी के करस्पॉन्डिंग, दैट इज टी वन। क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको पहले। अब ये वैल्यू हमको टी टू भी चाहिए, तो टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू इज इक्वल टू एम इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, जी बाई टू, वन माइनस म्यू। ठीक है, टी टू की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ए प्लस एफ वन, एफ वन कितना है, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, ये टू, तो देखो एम जी बाई टू इंटू वन प्लस म्यू, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, टी टू हो गया हमारा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, बना लो इसको जल्दी से।